हेलो एवरीवन, कीफल लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये प्रूव कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू वन के बराबर होती है। क्या करना है, सबसे पहले तो LHS ले लें। LHS लेके चलेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे और आंसर में वन लेकर के आ जाएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो LHS क्या है इसका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, मैंने यहाँ आइडेंटिटीज लिख दी है जो कि यूज हो रही है इसमें, जैसे कि यहाँ है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी राइट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हटा देंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन, और इसकी जगह लिख देंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, बाय, यहाँ से हमने इसे लिख दिया है बाय आइडेंटिटी, ठीक है। जो भी आइडेंटिटी हमने यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी लिख रखी है उससे बदल दिया, रिप्लेस कर दिया। फिर आगे देखें तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ है वन अपॉन कॉसेक, वन अपॉन कॉसेक, यहाँ पर देखिए वन अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी जगह वन अपॉन कॉसेक को हटा करके हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर है तो वहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा हटा दिया हमने और इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग गई, इसको हमने इससे बदल दिया बाय अगेन आइडेंटिटी जो कि यहाँ सेकेंड लिखी। फिर उसके बाद ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये दोनों प्लस हो जाएं तो वन के बराबर होते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये भी वन के बराबर हो जाएगा बाय दिस आइडेंटिटी। बस यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा RHS के बराबर, तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS और ये हमारा प्रूव्ड हो गया।